फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चार तरह के हेल्दी ड्रिंक्स, जो से पीकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी आप इस ड्रिंक्स को पियेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी सारे के सारे ड्रिंक्स, और ये सारे जूस आपको बहुत मजेदार लगेंगे पीने के बाद, और आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रहने में मदद करेगा ये सारे जूस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सारे जूस की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहला ड्रिंक्स जो है वो है संतरे का। संतरे का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे मैं सारे जूस के डिटेल में भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में मैंने प्रॉपर डिटेल में जूस के फायदे बताए हैं, कौन कौन से जूस के कौन कौन से फायदे हैं। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो ये है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस बनाना बहुत ही आसान है, और अगर गर्मियों में आप इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, आपके पाचन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये जूस आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप नाश्ते के बाद पीते हैं। ऑरेंज जूस के कितने फायदे हैं वो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे आई बटन में, उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ऑरेंज जूस सभी को बहुत ही पसंद आता है, और अगर आप इसे फ्रेश घर पर बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं दूसरा बनाने वाली हूँ, ये भी बहुत कॉमन जूस है, जिसे लेमन जूस भी कह सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें एक बोल में, एक ग्लास में आपको थोड़ा सा छोटा चम्मच काला नमक डालना है और आधा चम्मच नमक डालना है। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो ये और अच्छा है। और इसमें आधा छोटा चम्मच आपको जलजीरा पाउडर डालना है, अगर आप जलजीरा पाउडर डालते हैं तो ये और अच्छा रहता है। इसमें दो चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अगर आप जलजीरा पाउडर नहीं है आपके पास तो आप जीरा पाउडर भी बना के रख सकते हैं, जैसे तवे पर भूनकर आप पीस के पाउडर बना लीजिए। और इसके बाद इस सबको थोड़ा सा ठंडे पानी के साथ बनाइए, अगर मटके का पानी है तो ये सबसे अच्छा है। अगर आप इसमें आइस क्यूब डालना चाहते हैं तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, जिससे ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये इसे भी आप खाने के बाद पी सकते हैं, दोपहर के टाइम पी सकते हैं, दिन में कभी भी पी सकते हैं। तो नींबू पानी भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जब भी मन करे आप नींबू पानी इस तरह जीरे का पाउडर डालकर बनाइए तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको एनर्जेटिक रहने में मदद करेगा। गर्मियों में आपको पानी की कमी महसूस नहीं होगी अगर आप ये सब जूस पीते हैं तो। अब है तीसरा जूस है पालक का जूस। पालक का जूस आपको सुबह पीना होता है, अगर आप सुबह नहीं पी पाते हैं तब भी आप नाश्ते के बाद पी सकते हैं। तो इसके लिए थोड़े से पालक आपको लेना है और इसे अच्छे से तोड़कर गोटा ही आप धो लीजिए, और जो आपको ग्राइंडर के साथ बड़ा वाला जार मिलता है उसमें आप डाल दीजिए, तोड़कर धोकर फ्रेश पालक लीजिए, जिससे जूस पीने में आपको अच्छा रहेगा। सभी घर में जूसर नहीं होता है तो आप पालक का जूस इस तरह से बना सकते हैं। दो ग्लास पानी ऐड कर दीजिए, ये एक पतला गड्ढी है, लगभग 250 ग्राम से भी कम पालक है, और इसमें दो ग्लास पानी डाल दीजिए, और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस आपको 10 सेकंड चलाना है कंटिन्यू पानी के साथ, और आप देखिएगा ये फटाफट से रेडी हो जाता है। ये देखिए, बस 10 सेकंड ही आपको इस जार को चलाना है और बस जूस बनके तैयार। जितने भी पालक के गुण हैं वो इसमें आ जाते हैं, और मोटा छन्नी लेकर आप इसे छान लीजिए। और पालक के क्या बेनिफिट हैं वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक, उसमें मैंने प्रॉपर पूरा डिटेल में बताया है पालक के क्या फायदे हैं। तो इसी तरह आप पालक का जूस तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ही पतला होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही पतला है, इसे बच्चे भी आसानी से पी सकते हैं, इसमें कोई टेस्ट, कुछ खास टेस्ट नहीं आता है। और फिर भी अगर आपको पीने में परेशानी होगी तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा स्वाद के लिए, और अगर आपको इसमें नींबू डालना है तो नींबू भी डाल सकते हैं, नहीं नींबू डालना है तो बिना नींबू के भी आप पी सकते हैं, बिना नमक के भी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई स्वाद इसमें नहीं आता है,
आप इसे आप बच्चे को भी दे सकते हैं, आप खुद भी पी सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा जूस है पीने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो आप इस जूस को बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये जूस बनके तैयार होता है। आपने देखा, बहुत ही कम समय में ये जूस तैयार हो गया। और स्ट्रॉ लगा कर इसे सर्व कर दीजिए, बच्चे भी इसे खुशी खुशी पियेंगे। अगर आप इस तरह से हेल्दी ड्रिंक्स बनाते हैं, हेल्दी जूस सभी को पसंद आता है और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। तो चलिए अब हम अगला जूस बनाते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद जूस है। इसके भी फायदे मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। इस ग्लास से मैंने 2 ग्लास लिए हैं पानी, और उसी जार में मैं 2 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। और बीटरूट को मैं अच्छे से छीलकर पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं। और इस पानी में इस सारे बीटरूट को हमें डालना है। ये मैंने एक बड़े और एक छोटे बीटरूट को मैंने छीलकर काट के रखा है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। इसे भी इसी तरह से हमें बनाना है। बहुत ही कम समय में ये बनता है। और बीटरूट का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो इसे आप बस 10 सेकंड चलाइए, बहुत ही कम समय लगता है। 8-10 सेकंड में ये तैयार हो जाता है। और इसको आप मोटा छन्नी लेकर छान लीजिए, ये भी बहुत ही पतला जूस बनता है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट जूस बनाते हैं बीटरूट के, तो वो बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं, और जूसर में वो जूस बनता है। अगर जूसर नहीं है, हर घर में जूसर नहीं होता है, तो आप इस तरह से पालक और बीटरूट के जूस बना सकते हैं। ये आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और ये भी बनाना बहुत ही आसान है। तो सुबह सुबह आप इसे भी नाश्ते से पहले दे सकते हैं। खाली पेट पियेंगे तो ये ज़्यादा फायदा करता है। तो आप दो मैंने जूस बताए, वो दोनों खाने के बाद, नाश्ते के बाद, खाने के बाद पी सकते हैं। और ये दो जूस हैं पालक और बीटरूट के, इसे आप खाने से पहले पियेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप खाने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन खाने के पहले पियेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा ये। इसमें भी अगर आप चाहें स्वाद के लिए तो काला नमक डालकर आप पी सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सारा वीडियो पसंद आया है जूस का, और जो मैंने पहले इसके डिटेल बताए हैं जूस के बारे में, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ये प्यारे प्यारे जूस बनाइए, हेल्दी जूस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और इस गर्मियों में आप इस जूस को बनाइए, बच्चों को पिलाइए, खुद भी पीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर बनता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी लेकर मैं आती रहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही इजी तरीके से की रेसिपी मिलती है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।